एमएसएमई यूनिवर्सिटी में आयोजित सेमिनार में खास आमंत्रित डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी राजीव गांधी हत्याराओं की रिहाई विरोध कर आईजी पटेल होल में एक सेमिनार योजना सरदार पटेल साहेब न होत तो देश का क्या होता विषय पर आयोजित सेमिनार में भाजपा पूर्व मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वाइस चांसलर डॉक्टर योगेश सिंह सहित अग्रणी उपस्थित रहा था और पोताना विचारों व्यक्त कर बिल्कुल भूल जाते हैं और नाराज जाते हैं। ऐसी परिस्थिति जो है जो मनुष्य का स्वभाव है ऐसे में कल्पना कीजिए कि जब आजादी मिलने वाली थी उस समय क्या हालात थी और उन राजाओं से उनकी जमीन ले लेना ताकत ले लेना सभी कुछ ले लेना जो उनको किसी ने दिया नहीं था बहुत सारे लोगों को क्या था इन्वेस्ट किया था अपने खुद को बहुत सारे लोगों ने मृक्षक के साथ में गेम यू साइन किया हुआ था प्रिंसली स्टेट्स ने कुछ करना भी नहीं था ऐसों से सब कुछ ले लेना और उनका दे देना ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना है जो भारत में हुई शायद हजारों वर्षों में ऐसा नहीं हुआ होगा तो हुआ अरब लोगों ने राजाओं ने दिया लेकिन मैं कहता हूं कई बार कि सफल न होते उस समय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी राजीव गांधी हत्याराओं ने छोड़ी मुकवाना तमिलनाडु सरकार निर्णय नो विरोध करता सोनिया गांधी सामे केटलाक विधक सवाल उठाया था और यदि सरकार की गलती से 11 साल कुछ नहीं किया अब इसमें भी रहस्य है मैं ये पूछने चाहता हूँ कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को क्यों चिट्ठी लिखा कि इनको मृत्यु दंड नहीं मिलनी चाहिए उनका क्या इसमें दिलचस्पी है ये करुणा है तो फिर शत्रुघ्न सिंह को क्यों नहीं दिखाया जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की और ऐसे कितने लोग हैं जो धनंजय चटर्जी था वो 20 साल रहा उसने भीख मांगी भाई मुझे इन्हें आजीवन कारावास दे दो मैंने गलती की ये तो इन्होंने देश के साथ अपराध किया है इसीलिए सोनिया गांधी को सफाई देना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रपति को क्यों चिट्ठी लिखा कि इनको मृत्युदंड नहीं दे